पेट्रोल डीजल की महंगाई पे मोदी सरकार पे गुस्सा आता है क्या? क्या रहता है? थोड़ा बहुत तो आता ही है। अच्छा, थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। वैसे ठीक है मोदी सरकार। अच्छा, तो पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशानी नहीं, आपको नहीं लगता कि धोखा दिया है मोदी जी ने? कह तो रहा हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत तो सबको परेशानी हो रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है। मैं बताऊँ आपको, जिसकी इनकम कम है उसको तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, उनको ज्यादा गुस्सा आता होगा। जिनकी इनकम ठीक ठाक है उनको कम गुस्सा है, ठीक है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। तो चुनाव में ये जो महंगाई है ये भारी पड़ सकती है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे मुद्दों का? चुनाव में महंगाई या वोट जो है महंगाई पे नहीं पड़ता आजकल? नहीं, वोट महंगाई पे नहीं पड़ता। तो और किस मुद्दे पे पड़ता आपको लगता? दूसरी कोई दूसरा कोई पक्ष नहीं है ना। अच्छा, आना पड़ेगा या आप लेके आओगे? लेके भी आएंगे। आप मतलब महंगाई महंगाई और ये जो वादे तोड़े हैं मोदी जी ने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? महंगाई तो कांग्रेस के राज में भी थी। इतनी थी क्या? इतनी थी क्या? पेट्रोल ही तो बढ़ा है और क्या बढ़ गया। पेट्रोल डीजल से सरसों के तेल भी 200 हो गया ना, 100 रुपये था करीब एक साल पहले। वो तो होना ही एक ना एक दिन थोड़ी, मतलब ये तो मतलब दुनियादारी है, मतलब जो दुनियादारी है तो कम बढ़ती तो होंगे होंगे, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी आगे भी, मतलब लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी जी। अब और भी तो काम बहुत हो रहे हैं ना। अच्छा। मोदी के राज में। अच्छा। इसके लिए बेरोजगारी दूर होगी? बेरोजगारी भी मैं बताऊँ आपको, बेरोजगारी नहीं है, मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए। अच्छा, मतलब देश के लोग मेहनती नहीं है, मतलब देश के लोगों को ना आदत पड़ रही है। बढ़िया काम हो रहे हैं। एक चीज़ अगर हो रही है तो क्या हो गया? जैसे क्या हो रहा है मतलब? क्योंकि और चीज़ काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, जो ये काफ़ी निर्माण हो रहे हैं, सेना मजबूत हो रही है जो। तो आप मतलब सेना को मजबूत करने के लिए पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ाया गया? नहीं नहीं, तो वो आपको आंतरिक सुरक्षा नहीं चाहिए क्या? आपको आंतरिक सुरक्षा नहीं चाहिए क्या? उसको भी तो मजबूत करना है जो भी है। अगर एक चीज़ अगर महंगी हो रही है तो क्या हुआ? देश तो मजबूत हो रहा है ना भैया, मतलब लोगों का गुजारा मुश्किल हो रहा है, इसमें देश मजबूत हो रहा है। किसका गुजारा मुश्किल हो रहा है? मुझे लगता है भी है। अच्छा, पब्लिक के पास खूब पैसे हैं। कहने की बात है खूब पैसे हैं, लोग आजकल होटल में खर्च कर रहे हैं। आप जाओ टूरिस्ट प्लेस जाओ, वहाँ भीड़ लगी पड़ी है, वहाँ जाके आप सर्च करो। तो गरीब मजदूर है जिनकी नौकरियां चलेगी कोरोना काल में, मतलब वो तो आप तो वीआईपी क्लास की बात कर रहे हैं ना, जो मसूरी घूमने गया है। आप किसी मोहल्ले में कितने लोग मसूरी घूमने जाते हैं? नहीं जाते तो कोई नहीं है, जो भी इतना गरीब तो कोई नहीं जाएगा जो भी है। लेकिन आप देखो खर्च कर रहा है पैसा, कितना परसेंट लोग कितना खर्च कर रहा है, कितना कम खर्च कर रहा है। मतलब लोगों को आपको लगता है महंगाई से कोई दिक्कत है नहीं? मतलब क्या दिक्कत है? जो कुछ चीज महंगी है कुछ चीज सस्ती हो रही है जो भी है, कुछ हो जाएंगे लेवल में आ जाएंगी बाद में चीज जो भी है, लेवल में आ जाएंगी चीज जो भी है। अच्छा, कुछ चीज लेवल में आ जाएंगी बाद में जो भी है। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, रेट बढ़ रहे हैं जो भी है, लेकिन जेब में फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ टाइम की बात होती है वो ठीक हो जाएगी जो भी है। पेट्रोल से बहन जी कितनी दिक्कत होती है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार पे गुस्सा नहीं आता कि उन्होंने वादा तोड़ा है महंगाई के मुद्दे पे? भाई सैलरी अभी तो बड़ी है, उस हिसाब से इंक्रीमेंट भी तो मिल रही है, महंगाई भत्ता भी मिल रहा है। जब 200 रुपये लीटर सरसों का तेल खा रहे हैं तो ये तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। अच्छा, तो मतलब गुस्सा नहीं आता आपको? बिल्कुल नहीं आता। आपने 200 रुपये सरसों का तेल कहा तो उस पर भी गुस्सा नहीं आता? नहीं आता, क्योंकि किसान फसलें अपनी उगा रहे हैं, उनको लागत ही नहीं मिलती अपनी। ऐसा महंगे पेट्रोल पर मोदी सरकार पर गुस्सा आता है कि वादा खिलाफी की है उन्होंने? गुस्सा तो आता ही है। अच्छा, पहले ज़्यादा चल जाया करती थी स्कूटी, अब कम चलती है उतनी पेट्रोल में, वो तो है ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जनता के पास पैसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लॉकडाउन के बाद कहाँ पैसा है लोगों के पास। लॉकडाउन के पास तो बात तो सारी पब्लिक परेशान है ही है। तो लोग जो कहते हैं कि सरकार को पैसे की जरूरत है, तो आपके पास पैसा नहीं है इतना विकास में योगदान देने के लिए? अब घर भी तो चलाना है, सारे काम करना है, हर चीज़ महंगी होगी, कमाई है नहीं। अच्छा, हाँ सारे काम है। तो ये जो जनता का गुस्सा है आपको लगता है महंगा पड़ सकता है मोदी सरकार? पड़ भी सकता है सर, या नहीं भी पड़ सकता है? हाँ कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको जो गुस्सा आता है वो चुनाव में भी कन्वर्ट हो सकता है या फिर मोदी के पक्ष में ही रहोगे? वो तो इलेक्शन के टाइम पता चलेगा, ऐसे कुछ नहीं कहूँगा मैं। अच्छा, हाँ। महंगे पेट्रोल पर मोदी सरकार पर गुस्सा आता है या प्यार आता है? गुस्सा ही आता है महंगे। आपको लगता है कि वादा खिलाफी की है मोदी जी ने? वादा खिलाफी की है। कितनी परेशानी हो रही है महंगे पेट्रोल? परेशानी है महंगाई,
कितनी महंगाई, बहुत महंगाई, इतना नहीं।